नमस्कार, मी अमरीन आणि आपण पाहत आहात एडियन स्पंदन मना मनाचे। आता एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। जोपर्यंत या जुलमी सरकारचे मनसुबे ध्वस्त होत नाही तोपर्यंत संघर्ष जारी ठेवा, भीम आर्मीचे संस्थापक चंद्रशेखर आझादांचे आवाहन। संविधानाला वाचवायचे पण कोणापासून, पत्रकार भाऊ तोरसेकरांचा सवाल। राष्ट्रहित जनाधार मंडळाच्या जनुभाऊ रानडे स्मृती दिनानिमित्त व्याख्यान। डॉक्टर कराड यांच्या वाहनावर हल्ला केलेल्यांना कडक शासन करा, भाजप नेत्यांची पोलीस आयुक्तांकडे मागणी। आणि सोमवारपासून मनपाच्या ठेकेदारांना थकीत बिले देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार। आता सविस्तर बातमी। भीम आर्मीचे नेता चंद्रशेखर आझाद रावण यांनी आज शाहीनबाग समर्थक आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा दिला। NRC आणि CAA हे कायदे संविधान विरोधी असून केंद्र सरकार SC आणि अल्पसंख्याकांना मुस्लिमांना घाबरण्यासाठीच अतिरेक करीत आहे। जनतेने या काळ्या कायद्याचा प्रखर विरोध करावा असे आवाहनही यावेळी चंद्रशेखर आझाद यांनी केले। केंद्र सरकार हे संविधानाच्या विरोधात काम करीत असून जोपर्यंत NRC आणि CAA सारखे कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत रस्त्यावरचा संघर्ष सुरूच राहील असे यावेळी चंद्रशेखर आझाद यांनी स्पष्ट केले। सुरुवातीला आझाद यांनी NRC विरोधी आंदोलकांना संविधानाच्या प्रास्ताविकेची शपथ दिली। या कार्यक्रमाला अहमद जलील, शहाब मिर्झा, ओसामा खदीर, साजिद हसन खान आदींची उपस्थिती होती। अगर कोई ये कहे कि हम NPR करा रहे हैं, इससे कोई खतरा नहीं होगा, तो मैं इस बात पे समझौता नहीं करूंगा बिल्कुल। और मैं ये सच आपको भी बता रहा हूं, NPR से NRC होगी और NRC से छटनी होगी जो इस मुल्क में भाजपा के खिलाफ है। ST OBC और माइनॉरिटी और मुसलमान भाई, उनके वोट का अधिकार छीन के उन्हें इस देश में गुलाम बनाने के लिए संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने का प्रक्रिया चल रही है। हम इसे स्वीकार नहीं करते, इसीलिए आज हमारा बंद था। कोई हर व्यक्ति को पता लग गया है, ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ जैसा शाहीनबाग से लेके और NRC CAA NPR के खिलाफ हो रहा है। तो मैं तकरीर के तौर पे तो सिर्फ इतना ही करूंगा कि मुझे एक बहुत जरूरी बात आपसे शेयर करनी है और चाहता हूं आपसे सुने। लेकिन सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं इसमें आप मेरी मदद करें, आप भी इसको दोहराएं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज